कर इस लड़ाई से जीत सकें, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन बहुत मुख्य है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हमें अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं अपडेट करना चाहूंगी कि राज्य सरकारें लॉकडाउन के एनफोर्समेंट में कार्यरत हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से स्ट्रैंडेड है उनकी सहायता के लिए राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। वे हेल्पलाइंस, एप्स, रिलीफ कैंप्स, शेल्टर्स, फूड कैंप्स इत्यादि द्वारा उनको सहायता दे रही हैं। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में भी जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसके द्वारा उदाहरणतः कल कुल 300 से ज़्यादा समस्याओं का निदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाई गई हेल्पलाइन 1944 भी सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सब कदमों से हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। ICMR की तरफ से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, कल तक के 130,000 पेशेंट के सैंपल टेस्ट किए गए, इसमें से 5,734 पॉजिटिव थे। अब तक के पॉजिटिविटी रेट अगर देखेंगे तो इट रेंजेस बिटवीन 3-5% इन द लास्ट 1-1.5 मंथ्स। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। कल वी हैव टेस्टेड 13,143 सैंपल्स। दिस आर द अपडेट्स फ्रॉम ICMR। थैंक यू। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन है, नाउ दैट इंडिया हैज सपोर्टेड द USA विद XCQ, कैन इट बी प्रिज्यूम्ड दैट द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर इंडिया विल चेंज नाउ? डू वी हैव एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ XCQ इन द कंट्री फॉर अवर ओन नीड्स? इट कैन नॉट ओनली बी प्रिज्यूम्ड, इट कैन टेकन विद 100% श्योरिटी कि कंट्री के जितने रिक्वायरमेंट XCQ की है वो देश में अवेलेबल है। फ्यूचर रिक्वायरमेंट के प्रोजेक्शन को एनालाइज करते हुए भी उसको इंश्योर किया जा चुका है। फॉलो मी इंडिया टुडे। One question to ICMR and then to Mr. Agarwal. My question is about you giving permission for research protocol as far as clinical trials are concerned vis-a-vis the convalescent plasma therapy to Kerala. Can you tell us a little bit more about that? And Mr. Agarwal, you said about the GOM, which discussed about the sufficiency of PPE kits, N95 masks and ventilators as well, as far as state needs are concerned. How are you meeting that? What sort of came up? Could you elaborate on that? Convalescent plasma ka protocol abhi ICMR final stage mein hai, wo we will be finalizing that protocol aur uske baad we'll have to take approval of DCGI before conducting any clinical trial. It is not currently used or currently prescribed to give all patients. It will be used only in a clinical trial mode before it is recommended for all other patients. Is it successful so far? In other countries, they have found it is successful, yes, in limited clinical trial, yes. And this is only for very severe patients who are on ventilators, not milder cases. Will you extend it for this only in Kerala? Will you extend it in other? Yes, of course, but one has to get approval from the DCGI before it is the trial is done in other places. Yeah. Ma'am, as I had mentioned earlier, the whole effort is being driven by public health experts, supported by Committee of Secretaries chaired by Cabinet Secretary, and then after that group of ministers which provides us policy directions, and the whole effort primarily is monitored at the highest level in the country. Group of ministers jo aaj mile the unhone puri situation ki samiksha ki, unhone ye dekha ki aaj hum log kis level par kaam kar rahe hain, hamare kya challenges future ke hain aur un future challenges ke liye kis type ki preparation desh mein zarurat hai. Jaise ki main aap log ki drishti mein pehle bhi la chuka hu, उसके तहत ही उन्होंने डिस्कशन किया कि आज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारा एक मेजर फोकस है होना चाहिए. कैसे हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं. हॉस्पिटल्स का जो हमने कैटेगराइजेशन किया था केयर सेंटर्स के रूप में, ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड और क्रिटिकल बेड के रूप में, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हम स्टेट को फर्दर सपोर्ट करें कि यह कार्य और त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके. इसके साथ ही टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हमें रिवाइज करना है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करके आदेश दिए गए. साथ ही हमारा मेजर फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स क्यों कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर भी उन्होंने हमें डिटेल डायरेक्शन दी है. एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है ICMR के लिए, हैव द 2.5 लाख टेस्टिंग किट्स अराइव्ड
that we were expecting to be delivered by 8th or 9th of April? Well, these kits have not arrived yet, but they are expected any time. Neelu Ranjan? Please use mic, Neelu. सर कल से देख रहे हैं कि कई राज्यों में कंटेनमेंट प्लान जो है बहुत कड़ाई से लागू किया जा रहा है, एरिया को सील किया जा रहा है और लॉकडाउन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 17 दिनों में ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं लगता कि राज्यों की जो लापरवाही रही उसी कारण आपके केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं? सर वी विल एंड अप डीमोटिवेटिंग द सेट ऑफ पीपल हू आर वर्किंग एट फील्ड। आई थिंक वी शुड प्रोजेक्ट द क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंटली। हो ये रहा है कि फील्ड में शुरू से ही काम हो रहा है। आज भी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से जब से कि पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ था उसके बाद से ही जिले के लोग, स्टेट के लोग इसमें लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और आप ये समझिए कि हम कोई भी एक्शन अगर स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ले रहे हैं तो वो हमारा एक्शन होता है इनकमेंसरेट विद द टाइप ऑफ चैलेंज वी आर फीलिंग। तो आई वुड से कि वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द हार्ड वर्क दे आर डूइंग and we have to keep on taking their help in terms of ensuring that we actually end up breaking the chain of transmission. Sahil from ANI. So good afternoon, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. My question is related to recent death of a doctor in Indore who contracted COVID. So how could doctor contract COVID disease? He is the frontline worker. Was there enough PPE available over there in the hospital? Because it becomes very difficult. And you mentioned that PPE is not absolutely necessary or it's not required all the time. Sir, one more thing is that many doctors are getting assaulted as well. What do you have to say on that? Thank you. Sir, maine dono vishay mein actually main kafi detail mein aaj bataya tha. But since you have asked, to main fir dobare se aapki drishti mein lana chahunga कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर ट्रेनिंग में एक फोकस करते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के रिक्वायर्ड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेशेंट का ट्रायजिंग करें, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसी आती है कि हमारा कोई मेडिकल स्टाफ किसी भी कारणवश अगर वो इन्फेक्ट होता है तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस एंड वी वुड रियली अर्ज कि जो गाइडलाइंस हैं फील्ड लेवल पर वो फॉलो की जाएं। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था प्रोटेक्शन, तो इसका ही दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, अब आप ये समझिए कोई भी जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की भी बात करते हैं तो हर तरह का रिस्क लेके आज जो हमारा फील्ड का हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जब वे इस तरह के खतरे को होते हुए भी हर तरह से सपोर्ट करें तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके लिए खड़े और उनका सपोर्ट लें? तीसरा, आपने पीपीज के लिए कहा, मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ जहाँ पर पीपीज की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं। पीपीज के बारे में देश में शुरू में समस्या थी, जब कोई चीज़ देश में इंपोर्टेड होती है और जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद देश में पिछले 2 महीने के एफर्ट्स के बाद हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैं आपसे जो विषय आज आपके द्वारा हाईलाइट करना चाहता हूँ वह यह है कि पीपीज के बारे में भी जिसे कहते हैं अफवाहें या डर की जरूरत नहीं है। हमारी गाइडलाइंस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली पीपीज शुड बी मेड अवेलेबल बट उनका रैशनल यूज हो, जहां जिस लेवल की जरूरत हो उसको उस लेवल पे यूज किया जाए। अब मान लीजिए लिमिटेड सप्लाई की कोई चीज़ है, अगर मुझे उसको, मैंने जैसे आपको N95 मास्क के बारे में बताया कि मैं एक दिन में 4 N95 मास्क भी यूज कर सकता हूँ, 4 बार अलग अलग मास्क यूज करते हुए एक दिन में मैं एक भी यूज कर सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई को ऑगमेंट कर रही है स्टेट्स के साथ मिलके, साथ ही हम सबसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका रैशनल यूज भी हो। फ्रेंड्स, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए। इंडियन रेलवेज हैज सो फार प्रोड्यूस्ड अबाउट 6 लाख रीयूजेबल फेस मास्क एंड मोर देन 40,000 लीटर्स हैंड सैनिटाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिगार्डिंग द ट्रेनिंग कंपोनेंट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 Integrated Government Online Training Portal on Diksha platform of the Ministry of HRD. And from the Housing and Urban Affairs, Swachhta app has now been modified and strengthened further in order to enable the citizens to get their COVID-related complaints also addressed through the urban local bodies. Now the last question, number 14. Sir. Please let him ask the question.
सेंटर ने स्टेट के लिए पैकेज अनाउंस किया है, वो कितना बड़ा पैकेज है, इसके क्या मायने हैं? सर, सेंटर ने स्टेट के लिए किस पैकेज की बात करें, बिकॉज मल्टीपल पैकेजेस हम अनाउंस कर चुके हैं। ओके, सो बेसिकली ये कोविड इमरजेंसी पैकेज जो हमने लिखा है स्टेट्स को, इस पैकेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्पेसिफिक पैकेज है, कोविड 19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज। ये अप्रूवल हो चुका है, इसके लिए हमने आज ही स्टेट्स को लिखा है। मैं इसकी और डिटेल के साथ कल आपके पास आना चाहता था, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि इस पैकेज के द्वारा 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, जिसके द्वारा सेंट्रल